फर्स्ट टाइम देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज में जो फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं आलमोनी लोग ने पहली बार यहाँ पे जो उनका मीट ऑर्गेनाइज़ किया है, तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। काफ़ी आलमोनी लोगों को देखने को मिला, काफ़ी सीनियर लोग भी हैं यहाँ पे। तो वैसे एजुकेशन सीनियरियो अपना अगर DNGC का बात किया जाए, तो जो 1979 में जब ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ, अरुणाचल प्रदेश में सेकेंड कॉलेज था आफ्टर JNC पासीघाट। सो अभी इसमें अभी भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर्स में काफ़ी यहाँ पे गैप है। और ईटानगर में क्योंकि ये गवर्नमेंट का लोन कॉलेज है, तो यहाँ पे जो ये अटेंडेंस है काफ़ी हाई है यहाँ पे। तो हमारा गवर्नमेंट का जो विजन है ऑलरेडी, मैं यहाँ के हमारे मेयर हैं और यहाँ के ऑनरेबल MLA, उनको भी मैं कहा हूँ कि एक जगह ढूंढने के लिए, क्योंकि ईटानगर में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर और एक कॉलेज का भी ज़रूरत है। तो वो कॉलेज को भी हम लोग सरकार बनाने के लिए तैयार है, मगर लोकेशन जो है वो फिर यहाँ का लोकल रिप्रेजेंटेटिव लोग हमको आइडेंटिफाई करके दें। तो जहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है DNGC का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमारा टेन्योर में काफ़ी चीज़ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेंक्शन करके काम भी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। तो इस बार जैसे बजट में मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया कि यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल का बहुत आवश्यक है, यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल भी इसी साल बनना शुरू होगा। इसके अलावा और भी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मैं आज प्रिंसिपल साहब को भी कहा और आप लोग डिस्कस करके एक रोड मैप बना के देने के लिए आने वाला दिनों में गवर्नमेंट इसको जरूर सपोर्ट करेंगे। सर, वन थिंग हैज कम टू सर वन थिंग हैज कम टू लाइमलाइट क्योंकि सर यहाँ पे CBI ऑफिस है, लेकिन यहाँ में CBI का ऑफिसर्स रहता नहीं है। उसका क्या अपडेट है सर? कोई बताता भी नहीं कि स्कैम में अभी क्या इसको एड्रेस किया जा रहा है, क्या इनिशिएटिव लिया, कुछ अपडेट ही नहीं है। मैं अपना DGP साहब को बोलता हूँ कि एक बार CBI के साथ में कोऑर्डिनेट करके, और जो भी CBI मीडिया में जो भी शेयर करे वो जल्द से जल्द शेयर करने के लिए। सेम सर, यू नो वन थिंग दैट हैज कम टू लाइमलाइट दैट योर स्टेट अरुणाचल प्रदेश इज फेसिंग आवर स्टेट अरुणाचल प्रदेश इज फेसिंग थ्रू मिड डे मील स्कीम। सर, आप बस्ती का बात तो छोड़ ही दो, यहाँ पे ICL रीजन पे भी चल रहा है बड़ा सा करप्शन। एनी वर्ड ऑन दैट सर? इसका भी मेरे हमारा सोशल मीडिया का जरिए से हमको पता चला, इट हैज़ बीन आई थिंक कपल ऑफ डेज फ्रॉम नाउ। तो मैंने तुरंत उसको चीफ सेक्रेटरी को उस मीडिया क्लिपिंग को मैंने भेज दिया है, और तुरंत उसमें इन्वेस्टिगेशन जान पड़ताल करने के लिए ऑलरेडी क्लियरेंस हैज़ बीन गिवन फ्रॉम माय साइड। सर, एनी कमेंट ऑन अबू अब्बा एक्ट जो अभी चल रहा है फिलहाल? अबू अब्बा जो अनलॉफुल वाला नहीं, देखिए ये एक्ट जो है पुराना एक्ट है, ये काफ़ी सालों से चल के आया हुआ है। और इस एक्ट के ज़रिए से क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एक डिसिप्लिन सोसाइटी, एक डिसिप्लिन समाज में लेके आने के लिए दिस एक्ट हैज़ प्लेड क्वाइट ए सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट रोल। तो इसमें तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें इतना खास कंट्रोवर्सी होना चाहिए। इफ़ नीडेड सजेशंस के लिए, जैसे मैंने कहा कि हमारा अरुणाचल का जो अपना लॉ फैकल्टी जो है यहाँ पे, अपना लॉ एसोसिएशन, बार एसोसिएशन इनफैक्ट, तो इफ़ नीडेड आई कैन टेक इट फॉरवर्ड एंड हैव अ डिस्कशन विद बार एसोसिएशन आल्सो एज वेल। सर, हाईवे को हाईवे के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? तीन चार महीना से जो अरुणाचल प्रदेश का बिगड़ा हुआ था, आपने भी जिक्र किया APSC वाला इशू से, तो इन्वेस्टिगेशन अपना रास्ता पे चलते रहेगा ना, रिक्रूटमेंट भी रुका रहेगा इसमें। एक और एक चीज था सर, ग्यामर पादन का इशू थोड़ा सा निकल रहा है, तो वो लोग दे वांट अ स्टैच्यू टू बी कंस्ट्रक्टेड, तो क्या सरकार अपना तरफ, क्योंकि आपने भी अप्रिशिएट किया था ग्यामर पादन, बिल्कुल, तो सरकार उसको क्या कुछ एक स्टैच्यू बना देगा क्या? एक तो देखिए जो लेट ग्यामर पादन का जो स्टैच्यू बनाने का है, जरूर हम लोग करेंगे, मगर देखिए नियम कानून एक सिस्टम होता है, उस आधार पर हम लोगों को आना होगा। तो डेफिनेटली मैंने फैमिली को भी मैंने मैसेज करवाया था कि यू नो हम लोग टोटली ग्यामर पादुंग का कॉन्ट्रीब्यूशन का हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, और उनके लिए फॉर्मली एक एप्लीकेशन डाल दे DC को कि लैंड अलॉटमेंट के लिए, तो DC विल आइडेंटिफाई कि कहाँ में अप्रोप्रिएट है। ये हो गया वन पार्ट। और दूसरा पार्ट जो आपने APCS के बारे में जो कहा कि सरकार तो अपना जो करप्ट लोग है और सिस्टम को जिसने डिरेल किया है उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके उन लोगों को ये बिहाइंड द बार हम लोग ने रखा हुआ है, मगर आगे भी हम लोगों को जाना चाहिए। अभी आगे जाने के लिए सबसे पहली बात तो अपना कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन को गठन करना होगा। इसके लिए ऑलरेडी हम लोग ने एडवर्टीजमेंट कर चुका है, मगर फॉर्मर जो दो जिनका अपॉइंटमेंट हुआ था मगर ओट टेकिंग नहीं हुआ था, दो ऐसे फॉर्मर मेंबर लोग ने गुवाहाटी बेंच में इसको अपील किया हुआ है, तो उसमें वहाँ पे इस अभी हियरिंग चल रहा है। इन मीन टाइम गुवाहाटी
जो मेन कोर्ट है वहाँ पे राज्य सरकार ने अपील किया कि कम से कम जो अफेक्टेड पोस्ट जो अफेक्टेड नहीं है, जैसे वन पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड वन पोस्ट ऑफ मेंबर, उसको हम लोगों को रिक्रूटमेंट करने का परमिशन दिया जाए। तो ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने परमिशन दे दिया है, स्टेट गवर्नमेंट कैन गो फॉरवर्ड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वन चेयरपर्सन एंड वन मेंबर प्रोवाइडेड, लेकिन उसका जो प्रोसीडिंग्स को सील कवर में रखने के लिए टिल द फाइनल हियरिंग, जो गुवाहाटी बेंच जो नाहरलगन में जो हियरिंग चल रहा है उसका जब तक हियरिंग कम्प्लीट नहीं होता है उस तब तक के लिए सील एनवलप में रखने के लिए। और साथ साथ जजमेंट में ये भी लिखा है, डायरेक्शन दिया है नाहरलगन बेंच को कि ये हियरिंग को प्रायोरिटी में कोर्ट टेकअप करे। तो जब ये कोर्ट टेकअप करके डिस्पोज हो जाएंगे तो नया बोर्ड जैसे ही टेक ओवर कर लेगा और एग्जामिनेशन जो अभी हज़ारों पोस्ट जो पेंडिंग है वो नया बोर्ड मेंबर आने के बाद फिर रिक्रूटमेंट का जो अपना जो है वो शुरू हो जाएगा। सर रोड कनेक्टिविटी को बात करें तो कई डेवलपमेंट आपने लाया है, लेकिन सर कैपिटल इज़ द फेस ऑफ स्टेट सर। आपने जो प्रॉमिस किया था चंदनगर से पापुनलागर तक वो वन ईयर में कंप्लीट हुआ है सर, लेकिन आपको लगता है कि वो क्वालिटी वर्क हुआ है? क्योंकि एक साल भी नहीं हुआ था, जैसे ही मार्च को काम खत्म हुआ मानसून जैसे चालू और पोर्ट होल शुरू हो चुका था। सर बींग चीफ मिनिस्टर कम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सर, आप जो कंसर्न अथॉरिटी उनके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेंगे सर? देखिए एक्शन लेना वो सब ये उतना सिर्फ आप लोगों को एक्शन ही नहीं दिखना चाहिए, जिस प्रकार से जो यहाँ पे जो बारिश किस प्रकार से रिएक्ट करता है नेचुरल कैलामिटीज़ को तो आप रोक नहीं पाएगा। इस बार का देखिए बारिश में जितने भी जो पुराना सिटीज़ है डेवलप सिटीज़ इवन दिल्ली आप देखिए कि प्री इंडिपेंडेंस से दिल्ली बहुत पुराना शहर है, वहाँ में इतना हालत ख़राब हुआ है वहाँ पर बारिश के कारण से। सो हमारा ये तो पहाड़ी एरिया है तो यहाँ में भी हैवी बारिश के कारण से डिस्ट्रॉय होता है। तो मैं अभी ऑलरेडी मैंने कमिश्नर पीडब्ल्यूडी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को कहा हूँ कि एक रिव्यू मीटिंग लेने के लिए, खास करके इटानगर नाहरलगन में इस बार का बारिश में भी मैं सोशल मीडिया में काफ़ी देखा कि सड़क के बीच से काफ़ी पानी बह रहा था, काफ़ी वहाँ पर बह रहा था। तो इसका कारण क्या है, टेक्निकल लोगों का साथ में बैठकर अगर ड्रेन में ठीक नहीं है तो ड्रेन को किस प्रकार से ठीक किया जाए। थोड़ी देर पहले मैंने मेयर साहब को भी इंस्ट्रक्शंस दिया कि डीसी का साथ में भी बैठकर जहां जहां हम लोगों का ड्रेन में कुछ लोगों ने आर्ट कटिंग करके फिलअप कर दिया या कुछ लोगों ने गर्भ बना के उसको ब्लॉक कर दिया, उसको विद पेनल्टी उसको पूरा तुरंत ठीक किया जाए बोल के मेयर साहब को भी मैंने इसको टेकअप करने के लिए मैंने आदेश दिया हुआ है। तो आई नो दिस इज ए प्रॉब्लम इसमें, लेकिन अपना लोग भी हम लोगों को समझना चाहिए रोड जो है केवल सिर्फ रोड बनाने से नहीं होता है, रोड के साथ साथ ड्रेन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे लोग सबसे पहले ड्रेन को ही ब्लॉक कर देता है, तो ड्रेन ब्लॉक हो जाता है तो पानी तो रोड में ही तो जाएगा, फिर रोड में जाएगा तो रोड तो खत्म होना ही है। सो इस बार हम लोग थोड़ा और भी अवेयरनेस के तौर पर इसको हम लोग लेके जाएंगे। सर क्या आप मानते हैं कि यू नो डेवलपमेंट को लेके यू नो स्पीड अप का चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है लोगों? नहीं नहीं देखिए क्वालिटी में तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, बारिश इतना इस बार हैवी हुआ है, मे बी आई थिंक कुछ जगह में ड्रेनिंग सिस्टम ठीक नहीं था या ड्रेन बन गया या पब्लिक लोगों ने फिर उसको ब्लॉक कर दिया, उसका कारण से जरूर डिस्ट्रॉय हुआ है। सर मेरा सर खंडू सर ऐसा नहीं लगता आपने कमिटमेंट दिया हड़बड़ी में वो लोग कंप्लीट कर दिया अभी हड़बड़ी में स्पीड अप का चक्कर? नहीं 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 ऐसे बिल्कुल नहीं है भाई, जिस हिसाब से जो बारिश हुआ ना डिस्ट्रक्शन वो आप देखिए। सर मैं आपको बुरा नहीं लगेगा होगा, आप एक बार चिंपू से वॉकिंग करके नाहरलगन तक पूरा मैं हमेशा जो बायरोड जाता हूँ मैं एक एक पोर्ट होल्स कहाँ है तुरंत मिलने के साथ साथ मैं डिपार्टमेंट को भेजता हूँ ये लोकेशन में। कम से कम डिपार्टमेंट का भी इसमें थोड़ा सा गलती है कि गड्ढा तो हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ऐसा गड्ढा भी तो मत रखो ना कि गाड़ी उसमें चलना मुश्किल हो जाए। तो इसमें मैं काफ़ी मैंने कहा है कि थोड़ा सा मतलब डिपार्टमेंट को भी सीरियसली इसको देखने के लिए। सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर, एज अ एआर मिनिस्टर सर 2020 को जो पुलिस डिपार्टमेंट का निकला था अभी भी पेंडिंग है सर, एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो एज अ एआर मिनिस्टर क्योंकि आप देख रहे थे सर उसको फाइल प्रोसेस करने के लिए बोलेंगे कि अभी तक नहीं हुआ? ये तो काफ़ी पुराना मैटर है, मैं ऑलरेडी होम मिनिस्टर के साथ भी डिस्कस किया हूँ, इसको जल्दी प्रोसेस में डाल देने के लिए। अभी नया डीजीपी साहब आया हुआ है तो लोग डिस्कस करके जल्दी कर लेंगे। सर थैंक यू सर।